रेस्टोरेंट बंद होने के बाद अनुज बने अनुपमा का सहारा, तोशु को पड़ेगी अपनी चाल उल्टी। जी हाँ दोस्तों, हम जानते हैं अनुपमा फिर से एक नई मुसीबत में पहुंच चुकी है। जी हाँ दोस्तों, अनुपमा और मुसीबत जैसे साथ साथ ही चलते हैं। अब देखिए ना, अभी तो नई शुरुआत की थी स्पाइस एंड चटनी की, अपनी पूरी प्राइज मनी को लगाकर अनुपमा ने ये रेस्टोरेंट को फिर से शुरू किया था। और देखिए अभी क्या हो गया है कि रेस्टोरेंट बंद करने की नौबत आ गई है। जी हाँ दोस्तों, और इस बात के लिए हर कोई रिस्पॉन्सिबल बस अनुपमा को ही ठहरा रहा है, क्योंकि सबको लगता है कि इसके पीछे अनुपमा की ही कोई गलती होगी। लेकिन हम जानते हैं कि अनुपमा कभी भी किसी का बुरा नहीं चाह सकती है, और वो अपने लोगों के लिए क्या क्या कर सकती है ये तो हम जानते ही है। अब ये बातें अनुज भी बहुत ही अच्छे से जानता है, और इसीलिए वो अब बन गया है अनुपमा का बहुत बड़ा सहारा उसके इस हार्ड टाइम में उसे सपोर्ट करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, अब अनुज आखिर ऐसा क्या करने वाला है जिससे तोशु की कोई चाल पता चलेगी, ये जानने के लिए आप बस हमारे साथ बने रहिए। जी हाँ, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हर नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों, अनुज अब अनुपमा को सपोर्ट करने के लिए हर वो चीज़ करने के लिए तैयार है, हर वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए तैयार है जिससे ये साबित हो कि अनुपमा का इसमें कोई हाथ नहीं है और अनुपमा बेगुनाह है। जी हाँ दोस्तों, अब अनुज लग गए हैं अनुपमा को बेगुनाह साबित करने के पीछे। जी हाँ दोस्तों, और इन सब छानबीन में पता चल जाता है अनुज को तोशु का सच। जी हाँ, तोशु जिसने अभी अभी स्पाइस एंड चटनी में एक वेटर का काम एक्सेप्ट किया था, वहाँ पर वेटर की नौकरी कर रहा था, हाल ही में तोशु और गुलाटी की मुलाकात भी हुई थी उसी रेस्टोरेंट में, जहाँ पर उन दोनों की कुछ ऐसी बात हुई है जिससे गुलाटी ने खुश होकर उसे $50 की टिप भी दे दी है। जी हाँ दोस्तों, अब ये सब जानकर अनुज को पहले ही कहीं ना कहीं थोड़ी सी भनक तो लग गई थी, आखिर अब तोशु के मन में क्या चल रहा है और उसने इतने जल्दी ये काम कैसे एक्सेप्ट कर लिया, ये नौकरी पे कैसे वो जाने लगा है। इस बात को लेकर अनुज के मन में पहले ही थोड़ी ना थोड़ी कश्मकश चल रही थी, लेकिन अब इसी के चलते अब छानबीन में पता चला है कि ये जो पूरा कारस्तान रचा गया है इसके पीछे हाथ है तोशु का। जी हाँ, तोशु और गुलाटी ने मिलकर रची है ये साजिश, और वो चाहते हैं कि अब अनुपमा बर्बाद हो जाए, फिर से वो रेस्टोरेंट बंद हो जाए ताकि तोशु का ईगो सेटिस्फाई हो जाए। जी हाँ दोस्तों, और क्या क्या होने वाला है ये तो हम आपको बताते ही रहेंगे, बस आपको करना ये है कि हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना है और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है और इस वीडियो को भी शेयर कीजिए ताकि हर किसी को ये अपडेट्स पता चले।